नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये शब्द मेरे नहीं बल्कि सीएम योगी के थे। उन्होंने ऐसा किया भी, मगर अफसोस कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले सीएम योगी कुछ दबंग औरतों से हार गए। वो औरतें जो अपने पति के रहमो करम से आज लेडी डॉन्स के नाम से जानी जाती हैं, वो कौन है चलिए वो भी बता देते हैं। शाइस्ता परवीन इनाम 75,000, जैनब फातिमा इनाम 25,000, आफशा अंसारी इनाम 25,000, आयशा नूरी इनाम 25,000, दीप्ति बहाल इनाम 5,00,000। इनाम किसी महान काम करने वाली महिलाओं के नहीं है, मगर उन लेडी डॉन्स के हैं जिन तक सीएम योगी की पुलिस पहुंच नहीं पाई। ये लेडी डॉन सीएम योगी के प्रशासन के हाथ नहीं लग पाई हैं, जबकि इनकी तलाश एक साल से भी ज्यादा समय से पुलिस कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले सीएम योगी लेडी डॉन से कैसे हार मान चुके हैं। पुलिस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस सबको ये औरतें मात देकर फरार हैं। पिछले एक साल से शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की बेगम है, अतीक की बहन आयशा नूरी, जैनब फातिमा जो अशरफ अहमद की बेगम है, और मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी, और बाइक बोट घोटाले के आरोपी संजय भाटी की पत्नी दीप्ति को पूरा पुलिस महकमा एडी से लेकर चोटी का जोर लगाने के बाद भी ढूंढ नहीं पा रहा है। लिहाजा पहले इन्हें भगौड़ा घोषित किया गया, फिर इन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया, फिर भी हाथ नहीं लग पाई, फिर इनाम को 50,000 से 75,000 किया गया और आज भी प्रशासन खाली हाथ है। पुलिस एक साल से यूपी के अलग अलग जिलों की खाक छानने के बाद ये भी नहीं बता पा रही है कि उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। पूरे एक साल लकीर पीटने के बाद अब पुलिस महकमा इन लेडी डॉन पर एक बार फिर इनाम की राशि बढ़ाने पर विचार कर रहा है। पुलिस को लगता है कि इनाम की राशि बढ़ेगी तो शायद इन माफियाओं की पत्नी का कोई सुराग या यूं ही बैठे बैठे मिल जाएगा। लेकिन पुलिस में बैठे बड़े अधिकारी भी ये बात बिना कैमरे के स्वीकार करते हैं कि ये तमाम लेडी माफिया उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल थी। उस पर हत्याकांड की साजिश में शामिल होने, शूटरों को पनाह देने और इस वारदात के लिए फंडिंग करने का आरोप है। पुलिस इस मामले में उसकी तलाश कर रही है। उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन वो अतीक के सबसे खास शूटर गुड्डू बमबास के साथ फरार है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नेपाल के रास्ते दुबई चली गई हैं। वहीं बाहुबलियों की बीवियों के अलावा कई ऐसी लेडी डॉन हैं जो चर्चा में नहीं है, लेकिन पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इनमें सबसे प्रमुख नाम बाइक बोट घोटाले के मुख्य आरोपी संजय भाटी की पत्नी दीपा बहाल का है। उसके ऊपर 100 से अधिक केस दर्ज हैं। कुल मिलाकर अभी जो हालत है वो ये है कि माफियाओं को उंगली दिखाने वाली सीएम योगी इन लेडी डॉन्स को नहीं खोज पाए हैं। उनका प्रशासन इस काम में नाकाम है। सीएम योगी की पहचान तेज तर्रार सीएम के तौर पर है। अपराधी उनके नाम से थर थर कांपते हैं, लेकिन इस लेडी डॉन्स का प्रशासन के हाथ ना आना यूपी प्रशासन और शासन दोनों के लिए नाकामी ही कही जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।